जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अजीत जोगी विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनका घर ही त्रिकोणीय संघर्ष में फंस गया है, क्योंकि जोगी परिवार सर्व पार्टी सद्भाव के मार्ग पर चल पड़ा है। घर के अंदर ही मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बसपा, तीन पार्टियां मौजूद हैं। परिवार के तीन मुख्य सदस्य तीन अलग अलग पार्टियों में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। केवल बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जिसका कमल किसी ने नहीं थामा, यानी इस बार मुकाबला बीजेपी के साथ साथ सास बहू और ससुर में होगा। राजनीति में एक परिवार के कुछ सदस्यों का दो अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ना आम है। कभी भाई भाई को टक्कर देता है तो कभी पिता पुत्र को और कभी सास बहू को, लेकिन एक ही परिवार के तीन सदस्य तीन पार्टियों से चुनाव लड़े, ये बात राजनीतिक गलियारों में कम ही सुनाई देती है। मगर छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में इस बार जोगी परिवार में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां सास बहू और ससुर तीनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। जहां परिवार के मुखिया अजीत जोगी कांग्रेस से अलग होने के बाद अपनी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को जिताने के लिए जोर लगा रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी रेणु जोगी कांग्रेस का पंजा मजबूत करने में लगी हैं। सास ससुर तो आमने सामने हैं ही, वहीं अब बहू ऋचा जोगी भी हाथी की सवारी कर सत्ता की रेस में आगे बढ़ने को तैयार हैं। यानी एक ही परिवार में छत्तीसगढ़ के तीन विपक्षी दल कांग्रेस, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बीएसपी मौजूद हैं। ये बीजेपी के खिलाफ तो हुंकार भरेंगे ही, साथ ही अपनों से भी लड़ेंगे। जोगी परिवार अब तक हाथ का साथ देता आ रहा था, लेकिन 2019 में अजीत जोगी ने कांग्रेस को छोड़ अपनी पार्टी का गठन किया। इसके बाद एक ही परिवार में दो पार्टियां हो गईं, क्योंकि उनकी पत्नी और कोटा से विधायक रेणु जोगी ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। वो इस बार भी पार्टी से टिकट की उम्मीद में हैं, लेकिन अब बहू ऋचा जोगी के बीएसपी का हाथ थामने के बाद परिवार में तीन पार्टियां हो गई हैं। वैसे इस चुनाव में अजीत जोगी ने मायावती के साथ गठबंधन कर रखा है। बसपा ने उनकी बहू ऋचा जोगी को अकलतरा से उम्मीदवार बनाया है। अब देखना होगा कि सास बहू और ससुर के बीच राजनीतिक जंग क्या रंग लाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।